नगर निगम के द्वारा इंदिरा बाल विहार को चटोरी गली बनाया जाएगा, जिसके संबंध में नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि इंदिरा बाल विहार गोरखपुर शहर का एक प्रमुख केंद्र है। वहां पर फास्ट फूड का एक बेहतरीन केंद्र है, जहां पर रात तक भीड़ होती है, जिसको और बेहतरीन बनाने के लिए चटोरी गली बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर का छप्पन भोग व जयपुर की चटोरी गली की तरह विकसित किया जाएगा, जहां पर नो पार्किंग जोन रहेगा, जिसमें सभी व्यंजन मिलेंगे। वहां पर पब्लिक के बैठने की जगह और पार्किंग स्थल बनाया जाएगा, जिससे गोरखपुर के सभी लोकल व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा सके और गोरखपुर को एक नई सौगात मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा कि इंदिरा बाल विहार जो है गोलघर के बिल्कुल सटीक समीप है, इसमें हम देखते हैं कि जो गोरखपुर के लोकल कुजीन है, लोकल स्वादिष्ट व्यंजन है, और जो भी यहाँ पे खान पान के जो अन्य व्यंजन है, उन सबके सुबह से लेकर शाम तक और रात्रिकालीन तक बहुत भीड़ रहती है और काफी लोग आते हैं यहाँ पर खाना खाने, यहाँ पर शाम को अपना आउटिंग करने। तो इसके लिए, इसको एक बेहतर लुक देने के लिए, जैसे इंदौर का छप्पन है, जयपुर की चटोरी गली, उसी तर्ज पे इसको एक अच्छा रूप देने के लिए एक मॉडर्न फूड स्ट्रीट के रूप में इसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें सभी बेहतरीन सुविधाएं हमारे नागरिकों को मिलेंगी। साथ ही साथ जो वहाँ पे लगाते हैं अपने वेंडर्स जो हमारे हैं, उनको भी बेहतरीन सुविधाएं मिलें, पब्लिक के लिए बैठने के लिए जगह हो, पार्किंग का स्पेस हो, एक पेडेस्ट्रियन जोन कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग और भी आ सकें और अच्छे से इसका लुत्फ उठा सकें। तो इसी तर्ज पर इसको मेगा फूड स्ट्रीट के तौर पर इसको प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि गोरखपुर के सभी स्वादिष्ट लोकल व्यंजनों का यहाँ पे लुत्फ उठाया जा सके और गोरखपुर के नागरिकों को एक अच्छी सौगात मिल सके।